हम मौजूद हैं कहाँ पर? दुनियापुर चक नंबर 26 में, 26 चक में। और यहाँ पर हम इस फैमिली से मिले हैं, इस फैमिली ने हमें दावत दी हुई थी। हम इन सब के बहुत शुक्रगुजार हैं। बाजी आपने बहुत प्यार दिया हमें, आपने भी, आंटी जी ने भी, और बहुत मजे का खाना भी खाया। जी जी, पास्टर समन आपके घर पे, सॉरी समर। और बड़ा अच्छा लगा सबसे मिलके। तो अभी हमने ना आंटी से डिमांड की थी कि हमें जो है ना आपने आग के ऊपर आलू जो है बना के खिलाने हैं, तो आंटी हमारे लिए आलू की भुजिया बना रही है, क्योंकि चिकन मटन बीफ खा के मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ। तो मैंने फरमाइश की कि मुझे आलू की भुजिया खानी है, तो ये आंटी जो है हमारे लिए बना रही है आलू की भुजिया। आंटी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये अभी बाजी ने सारे मसाले जो है वो मिक्स करके इसमें ऐड कर दी। क्या क्या था इसमें? इसमें ग्रीन मिर्ची थी और टमाटर, फिर रेड चिली थी, नमक, जीरा वगैरह, ये अपडेट गरम मसाला वगैरह। चले बाकी भी डाल दें इसमें। ये अभी ही शक्ल से इतनी अच्छी लग रही है, और जब मुकम्मल तैयार हो जाएगी तो डिलीशियस बनेगी। अच्छा, ये देखिए आग जो है उसको तेज करने का तरीका है ना बाजी, फूकने के साथ। किसके साथ? फूकने के साथ बोलते हैं, फूकने के साथ। दिखाएं फूकने की तरह, ये आग तेज हो जाती है, आग तेज हो जाती है, मुझे पता है। फूकनी चूल्हे पर अब हमारी नई शेफ, नई शेफ आ चुकी है, जिनको आप जानते हैं। पकड़ लें कागज से ऐसे करके, नहीं ऐसे पकड़ लें, चलो ऐसे हाथ धो लें, चलो अब बना। हो ही नहीं रही थी इसके आपकी तो जब बस्ती आती है। वाह, थोड़ी थोड़ी सी, वाह हो गई बेटी। रोटी से वाह, ये हमारी न्यू शेफ आज रोटी बना के हमें खिलाएगी। जलेगा रोटी, जलने नहीं चाहिए। ओ गिर गई। इस पे रोटी भी बन सकती है, ठीक है? ये तवा रख दे ना ऊपर, रोटी बन जाए इसको। ज्यादा चकली है, रोटी इसका तो मजा, इसका तो मजा भी और होगा ना, इसका तो मजा भी और होगा ना, इसका तो मजा भी और होगा ना। A few moments later. ये देखिए रोटी बन चुकी है, रोटी मुकम्मल तैयार है और ये अब खाने के काबिल है। खैर मैं दिखाती हूँ, तू इधर खड़ी हो जा, तेरे के साथ ही बन जाएगी। पीछे डॉगी को भी देख रही पा। ये
वो साइड से थोड़ी कच्ची थी तो अभी हम और सेक रही है। अंदर ले जाओ, देख लो।